लग रही है ना किसी रेस्टोरेंट पे सर्व की गई चिली टोस्ट। आइए देखते हैं हम इसे घर पर कैसे बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिलीशिया हेल्दी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं चिली टोस्ट। यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम बटर। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून के करीबन येलो पेपर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 स्पून के करीबन रेड बेल पेपर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 स्पून कैप्सिकम। अगर आपके पास रेड बेल पेपर या फिर येलो या बेल पेपर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें डालें, ये सिर्फ कलर के लिए है दोस्तों। टेस्ट तो आपको कैप्सिकम से ही आने वाला है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज़। मुझे पर्सनली पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाले। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते। उसके बाद मैंने प्रोसेस चीज़ लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 क्यूब लिए हुए हैं। इसे हम ग्रेट करके ले लेंगे। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मोजरेला चीज़ लो। ऑथेंटिक जो भी चीज़ ब्रेड बनता है, चिली टोस्ट बनता है, वो प्रोसेस चीज़ से ही बनता है दोस्तों। इसलिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप मोजरेला चीज़ लो। एक इसके मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। आपके पास सेलरी वगैरह अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हो। मेरे पास यहाँ पे सेलरी नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसको इस तरीके से आपको चलाते हुए कंटिन्यूस 3 से 4 मिनट आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि बटर और चीज़ एक साथ मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि खाली चीज़ डालने से ही चिली टोस्ट बनेगा दोस्तों, आपको बटर भी उसमें डालना ही डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क ब्रेड लिया हुआ है। आप सैंडविच ब्रेड भी इसमें ले सकते हो। आप चाहे तो इसके एजेस आप काट के ले सकते हो। मैंने नहीं काटे हुए, मुझे अच्छे लगते हैं वो क्रिस्पी होते तो, इसलिए मैंने नहीं काटे हुए। साइड से आपको थोड़ी सी जगह आपको रखनी है, पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं करना है क्योंकि बटर है तो वो पिघल के साइड पे चला ही जाने वाला है तो बाहर आएगा। इससे अच्छा आप थोड़ी सी जगह ब्रेड के साइड से छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रखा हुआ है। तवा जैसे ही गरम हो जाएगा उसके ऊपर हम अपने ब्रेड रख देंगे। उसके बाद आप उसको एक ढक्कन से कवर कर लीजिए। आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा एक ब्रेड बनाने के लिए। आपको लो फ्लेम पे बनानी है ये ब्रेड। आपकी ब्रेड टोस्ट होके तैयार है। ये देखिए, स्टीम की वजह से मेरे कैमरा पे अच्छे से कवर नहीं हुआ है, पर ये बना हुआ आप देख सकते हो। ऐसे ही एक एक करके आपको आपकी सारी टोस्ट करके लेने हैं ब्रेड। आपके पास बड़ा लीड है तो आप एक साथ 2 भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बोला था ना दोस्तों ये पूरी तरीके से फैल जाएगा, आपको साइड से रखना है। आप देखिए कि किस तरीके से फैला है चीज़ और ब्रेड। ऐसे मैंने एक एक बनाकर रेडी कर लिए। आप इसको आप केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये आप घर पे ज़रूर बनाइए, दोस्तों को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।